नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीसीएल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, बीपीसीएल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट अभी अभी अनाउंस हो चुके हैं, तो कैसे रहे बीपीसीएल के क्वार्टर फोर के नतीजे और क्या डिविडेंड अनाउंस किया, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लिया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग मूव कर रहे हैं बीपीसीएल के रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों, बीपीसीएल देखिए 52 वीक हाई के काफी करीब है, आजकल में 52 वीक हाई इसने बना दिया और 471 का करंट प्राइस है। यहाँ पे देखें तो मार्केट मोजो स्कोर भी बहुत पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव के हैं, जिसमें 10 पॉजिटिव के हैं और 2 निगेटिव के हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज बीपीसीएल का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो गया है और हमेशा बीपीसीएल एक बड़े डिविडेंड के लिए जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग डिविडेंड क्या रहे इनके। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों मूव कर रहे हैं आगे रिजल्ट्स की तरफ और डिविडेंड की तरफ भी मूव करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या रहे डिविडेंड। तो इस बार दोस्तों गजब का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है। रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 58 रुपीज पर इक्विटी शेयर, इंक्लूडिंग वन टाइम स्पेशल डिविडेंड ऑफ 35 रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। द फाइनल डिविडेंड इज इन द एडिशन ऑफ द ₹21 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो गजब का डिविडेंड दिया है दोस्तों, ₹58 का बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है। ये एक सबसे बड़ी न्यूज अभी तक की निकल के आ रही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, गजब डिविडेंड यहाँ पे दिया है, तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड, इसकी एक्सपेक्टेशन भी थी और इसी वजह से शेयर एक अप मूव में था। वहीं पे दोस्तों हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ये जो डिविडेंड है ये आपका एजीएम के बाद दिया जाएगा अनाउंसमेंट, जो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। आगे दोस्तों चल रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी सी सीट डल आपको नजर आ रही है। टोटल फिगर ये दोस्तों करोड़ में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे टोटल इनकम एक लाख करोड़ से ज्यादा की इनकम इनको हुई है, और जो कि पिछले क्वार्टर से देखें तो उसमें 20% से भी ज्यादा का जंप देखने को मिला है, 20 से 25% का जंप देखने को मिला है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 30% का जंप देखने को मिल रहा है, लगभग 25% का जंप देखने को मिला है। टोटल एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में इंक्रीज करें 95,175 करोड़, जो कि लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें 83,518 करोड़ से। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो 5,244 करोड़ का प्रॉफिट यहां पे नजर आता है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें, यहां पे देखें 988 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, वहां से इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस गजब के इंक्रीज हुए हैं और लगभग कह सकते हैं 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। वहीं पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें भी लगभग 10 से 15% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ये और एक्सेप्शनल आइटम और जोड़ दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और जंप हो गया है आपका 6 टाइम्स, यानी 6 गुना ज्यादा, और अगर हम देखें तो टोटल 500% जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। साथ ही दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लगभग 200% का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जंप देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 11,940 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि गजब का रिजल्ट है और इस जो कि लास्ट क्वार्टर से लगभग कह सकते कि 5 गुना हो चुका है नेट प्रॉफिट। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 10 गुना के प्रॉफिट हो चुका है। तो आप कहिए कि 1000% के आसपास का प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है। इसका असर दोस्तों आपको अर्निंग पर शेयर में भी दिखेगा। अर्निंग पर शेयर आपके 59.77 हो चुके, जो कि लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर से 6.92 से 59.77 हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी जंप देखने को मिला, 4 गुना हो चुके हैं। एसेट क्वालिटी दोस्तों देखिए, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है और लगभग हमारे जो टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं 1,40,000 करोड़ के आसपास, जो कि इसमें भी लगभग 10% का जंप देखने को मिला है। वहीं नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, तो इसमें भी जंप देखने को मिला है।
तो हर एक पैरामीटर पे ये एक बेहतरीन रिजल्ट है, चाहे आप जो भी पैरामीटर लीजिए। और स्पेशल डिविडेंड जो दिया है, अब इस शेयर में 10% का अपर सर्किट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इस शेयर को इजीली 500 के क्रॉस कर जाएगा। अब हम इसका दोस्तों चार्ट देख रहे हैं, पिछले 5 साल का मैं चार्ट पिक करना चाहूंगा एनालिसिस के लिए, क्योंकि अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में अब ये जाने वाला है दोस्तों। तो ये 545 का जो जोन था, इसको बीट कर सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं अब ये 560 के टारगेट भी पॉसिबल हैं इस शेयर में। और नीचे के लेवल देखें दोस्तों, तो आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 440 रुपए का लगाना है, और ऊपर के लेवल 550 के टारगेट यहां से नजर आते हैं। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में भी देख लीजिए दोस्तों, तो इसने जहां से बुलिश कैंडल लिया था, आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 465 का स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर के लेवल हम लोग लगभग 490-495 के आसपास के जोन देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। जैसे कि दोस्तों आपने अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखा था, अभी इस शेयर की बारी है। तो 495 इवन 500 के भी टारगेट कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉसिबल है इस शेयर में। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और